टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक फॉर्मूलास ऑफ इंटीग्रेशन और कुछ रूल्स इंटीग्रेशन का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई इंसिस्ट जिन लोगों ने पिछला वीडियो जो है तुम्हारा इंटीग्रेशन का वो नहीं देखा तो वो देख लेना, सो दैट दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज फॉर्मूलास और द रूल्स वुड बी मोर क्लियर टू यू। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलास यहां पे हम देखते हैं। जैसे cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, sin x है। एज आई टोल्ड यू इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम सबसे पहले मैं यहां एक बार लिख देता हूं, sin x का डिफरेंशिएशन तुम्हें करना आता है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होता था cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, उल्टा। तो यहां पे तुम्हें दिख रहा है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है sin x। वैसे सेकंड वाला तुम्हें ये पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस sin x, तो अगर ये माइनस sin x dx होता तो इधर cos x आ जाता डायरेक्टली, बट यहां sin x dx है तो ये क्या हो गया माइनस cos x। वैसे sec स्क्वायर x, तुम्हें पता है कि tan x को डिफरेंशिएट करते थे तो sec स्क्वायर x आता था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। सब कुछ उल्टा चल रहा है बिल्कुल। अगर तुम ये समझ लो तो तुम्हें फिर ये फॉर्मूला याद करके रखने की जरूरत नहीं है, एक बार डिफरेंशिएशन में हो गया तो इंटीग्रेशन तुम डायरेक्टली उसका उल्टा कर दोगे। तो ये कुछ कुछ हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जो डायरेक्टली तुम्हें पता चल जाए कि ये तो उसका उल्टा होगा इंटीग्रेशन। कुछ ऐसा है जो तुम्हें सीखना भी पड़ेगा, नया होगा। ओके, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, उल्टा चल रहा सब कुछ। और सबसे बड़ी बात ये तुम्हें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसमें तुम्हें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता हो, और इनडेफिनेट मतलब तुम्हें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता नहीं है, मतलब कहां से कहां तक समेशन करना है ये तुम्हें नहीं पता है। अब जैसे तुम्हें यहां दिख रहा है कि यहां लोअर और अपर लिमिट है ही नहीं, मतलब ये क्या है इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम इसके साथ प्लस सी लिखते हैं क्योंकि ये इनडेफिनेट है, कहां से कहां तक जाना है हमें पता ही नहीं, इसीलिए हम यहां पे प्लस सी लिखते हैं। वैसे ही हर जगह प्लस सी लिख, हर जगह प्लस सी 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 हर जगह अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो। अब ये एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और एज यूजुअल प्लस c सब में किया है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। हाँ, इसमें एक कंडीशन है, n का वैल्यू माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n का वैल्यू माइनस 1 के इक्वल हुआ मतलब पावर माइनस 1 हुआ और हम ये अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो ये स्टेप है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। माइनस वन प्लस वन एक्स टू द पावर जीरो, चलो ये तो वन हो गया एक्स टू द पावर जीरो, बट नीचे माइनस वन प्लस वन जीरो मतलब ये अनडिफाइंड हो गया, इसीलिए अगर एन का पावर माइनस वन है तब ये हम यूज नहीं कर सकते हैं फॉर्मूला। ओके, एक्स का पावर माइनस वन का मतलब क्या, अब ये मानिए उस पर एक्स का पावर माइनस वन का क्या मतलब वन बाई एक्स, और तुम्हें पता है कि वन बाई एक्स कब आता था लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो वन बाई एक्स आता था, तो 1 by x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा log x आएगा, उल्टा बिल्कुल। खैर देखते हैं, cos x square x, cot x का डिफरेंशिएशन होता था minus cos x square x, तो अगर यहां minus cos x square x होता तो डायरेक्टली यहां cot x आ जाता, बट यहां minus cos x square x नहीं है सिर्फ cos x square x है तो उसका इंटीग्रेशन minus cot x हो गया प्लस c, cos x cot x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था minus cos x cot x, तो माइनस रहता तो ये बस कॉसेक एक्स आता है, बट यहां माइनस नहीं है इसीलिए इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है तो इंटीग्रेशन भी वही रहेगा। एज आई टोल्ड यू वन बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो वन बाई एक्स आता था, तो वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो यह लॉग एक्स प्लस सी, और ये बहुत ज्यादा तुम्हारे काम आएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली x will vary, x will change, जहां से जहां तक वो वेरी करता हो, अगर यहां लोअर अपर लिमिट दिया है तब तुम वो काम करोगे, अगर नहीं गिवन है तो नहीं कर सकते। तो ये और ये यहां पे a क्या है, a is the constant here, तो 1 by a tan inverse x by a plus c, ये बहुत ज्यादा तुम्हारे काम आएगा फिजिक्स में और मैथ्स में भी ऑब्वियसली।
खैर तो ये सारा तो हमारे पास फॉर्मूला था, जो जो जरूरी फॉर्मूला है जो हमारे काम आने वाला है वो सब हमने देख लिया। अब कुछ जो जरूरी रूल्स है इंटीग्रेशन का जो बार बार हमारे काम आने वाला है वो सब देखते हैं। अब इसका बेसिक रूल्स क्या है इंटीग्रेशन का ये देखते हैं। तो सबसे पहला रूल, मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन है सी एफ एक्स, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। और बच्चों हर जगह मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दे रहा, मतलब ये सब क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो सब में हम प्लस ही करेंगे। तो ये c यहां पे कांस्टेंट है, 1 2 3 माइनस 2 माइनस 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये c को जैसा तुम डिफरेंशिएशन में करते थे कि पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देते थे और फिर जो हमारा फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करते थे, वही सेम काम यहां भी करना है। c को हमने बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेट किसे करेंगे, fx को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा काम है। जैसे एक बहुत आसान सा एग्जांपल हम ले ही लेते हैं यहां पे, मान लो हमारे पास गिवन है वी हैव टू इंटीग्रेट 2x2। तो 2x2 को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, अब लोअर अपर लिमिट गिवन नहीं है, मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट वाला भी हम देखेंगे, एक दो एग्जांपल्स इसका भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x2, अब देखो यहां पे कांस्टेंट क्या है 2, 2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेट किसको करोगे, इंटीग्रेट किसको करोगे, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तुम्हें पता है x टू द पावर n और n इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो हम जो अभी फॉर्मूला हमने देखा वो हम यूज कर सकते हैं, क्या x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो क्या हो गया देखो, तो x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 बाय 2 प्लस 1 मतलब 3, तो प्लस c, ये क्या हो गया 2 बाय 3 x क्यूब प्लस c, ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। बहुत आसान, कांस्टेंट जब भी रहे कांस्टेंट को बाहर निकालो फिर आगे का काम करो। दूसरा रूल, मान लो हमारे पास दो फंक्शंस है fx प्लस gx और इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, ऐसा कुछ फॉर्म दिया है, दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस को विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे देखो, दोनों को वही काम करेंगे जो डिफरेंशिएशन में करते थे, प्लस रहे या माइनस रहे जो कुछ भी रहे दोनों के लिए हम काम कर सकते हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करो fx को अलग, माइनस या प्लस जो कुछ भी है दोनों मैं लिख दे रहा हूं, प्लस रहा तो प्लस देना, माइनस रहा तो माइनस देना, प्लस माइनस, अब इसको अलग इंटीग्रेट करो gx और dx। इसका भी एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास गिवन है वी हैव टू इंटीग्रेट 2x2 प्लस 3x माइनस 2, इसको इंटीग्रेट करना है इस पूरे को। अब जहां प्लस है वहां प्लस हो, जहां माइनस है वहां माइनस हो, और सबको अलग अलग करो, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करो, क्या करोगे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करोगे अलग अलग, क्या होगा 2x2 dx प्लस 3x dx माइनस 2 dx, वेरी सिंपल। तो सबको अलग अलग कर लिया हमने, सबको अलग अलग कर लिया तो क्या मिला, ये तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी किया x क्यूब बाय 3, तो ये क्या हो गया 2 x क्यूब बाय 3, प्लस था तो प्लस का साइन दिया, फिर इंटीग्रेट किया इसको अलग, ये जो हमारा अलग से है फंक्शन इसको अलग से इंटीग्रेट किया 3x को किया, तो 3 यहां पे कांस्टेंट है, बाहर निकालो, x टू द पावर 1 है तो x टू द पावर 1 प्लस 1 क्या हो गया n प्लस 1 मतलब x स्क्वायर बाय n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2 माइनस, अब ये 2 यहां कांस्टेंट है बाहर निकालो, 2 बाहर निकालोगे तो यहां बचेगा क्या, इसको जरा मैं यहां पे करके दिखा दे रहा हूं, 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर में बचा क्या, बस dx बचा। तो अगर कुछ है ही नहीं फंक्शन तो इंटीग्रेट करेंगे किसको, कोई दिक्कत नहीं, मान लो अंदर में 1 है और 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 को अंदर में कुछ भी नहीं है, 2 को बाहर ही निकाल लिया मतलब अंदर 1 है, और 1 को क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 के लिए मतलब n का वैल्यू यहां पे क्या है 0, तो n प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे 2 तो बाहर ही रहा और x टू द पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 बाय 0 प्लस 1, n प्लस 1 नीचे आता है तो 0 प्लस 1 ऐसा हो, मतलब x टू द पावर 0 को अगर तुम इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा x आएगा, ये बहुत बार तुम्हारे काम भी आएगा। तो यहां पे हमने किसको इंटीग्रेट किया, अब ये हटा देता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो गया 2x, अगर कुछ भी नहीं है यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा x, दैट्स इट, और प्लस c ऑब्वियसली। तो ये बहुत आसान सा एग्जांपल हमने ले लिया। अब मल्टीप्लिकेशन में अगर हो,
अगर हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है और दोनों ऐसे फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तब क्या करेंगे वो भी देखते हैं। ये हटा देता हूं, ये पॉइंट भी हटा लेते हैं, जिसे कॉपी करना होगा वो पॉज करके कॉपी कर सकता है। अब देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है दो फंक्शंस, तब क्या करेंगे। प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मान लो हमारे पास दो फंक्शंस है u v, ये दो फंक्शन से अलग अलग, u भी एक फंक्शन है fx और v भी एक फंक्शन है gx, दोनों को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे। बहुत ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला, और अभी ही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आइलेट का। अब वो आइलेट क्या होता है समझते हैं। u है और v है, तो इसको हम कुछ ऐसा इंटीग्रेट करेंगे, u को बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेट किया v को, मतलब दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन दिया। अब इंटीग्रेट किया, किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो हमारा पहला वाला फंक्शन दिख रहा है u, इसका पहले डिफरेंशिएशन करो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx, ब्रैकेट में लिख लिया, ब्रैकेट यहां पे ले लेते हैं, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, इंटीग्रेट किसको करना है, फिर से v को ही इंटीग्रेट करना है, v को विद रिस्पेक्ट टू x, और पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। ये बिल्कुल आसान, u v को हमें इंटीग्रेट करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो u को बाहर निकाला और v को इंटीग्रेट किया, माइनस साइन दिया और फिर इंटीग्रेट किया। बट इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो u है इसको डिफरेंशिएट करो, अभी एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, du by dx, और इंटीग्रेशन किसका किया, फंक्शन जो v है उसका इंटीग्रेशन किया, और ये पूरा जो रिजल्ट आया फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तुम्हें बाहर इंटीग्रेशन का सिंबल दिख रहा है, दैट्स इट। तो ये हमारा फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं, बट उसके पहले तुम्हें मैं आइलेट के बारे में बता दूं। आइलेट ये बहुत यूजफुल है, इसको बिल्कुल नोट कर लेना, समझ लेना कि आइलेट किस काम आता है हमारे। ये आई यहां पे है इनवर्स फंक्शंस के लिए, इनवर्स फंक्शंस, कोई भी इनवर्स फंक्शंस तुम पढ़ो इसके बारे में, इनवर्स फंक्शंस, जैसे एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब इनवर्स फंक्शंस। एल हियर स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम, लॉग, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, जो भी अलजेब्रिक टर्म्स आएंगे, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड ई हियर स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो सब अलग अलग फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक। तो अब ये जो सीरियल वाइज हमें दिख रहा है, जो पहले आएगा सीरियल वाइज, जो पहले आ जाएगा उसको हम u मान लेंगे और जो बाद में आएगा उसको v मान लेंगे। अब जैसे एक बहुत आसान सा एग्जांपल हम लेते हैं इससे रिलेटेड, बिल्कुल सिंपल है, तुम ये कंफ्यूजन में मत रहना कि सर u और v तो आपने लिख दिया है, लेकिन u किसे लेंगे और v किसे लेंगे, तो इसी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि u किसे लेंगे और v किसे लेंगे। जो पहले आ गया सीरियल वाइज, अब जैसे सीरियल वाइज पहले कौन आ रहा है, एल आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो लॉगरिथम वाला जो हमारा फंक्शन है उसको हम यू मानेंगे और अलजेब्रिक जो फंक्शन है उसको वी मानेंगे। देखते हैं, आसान सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास गिवन एक क्वेश्चन है, वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स ई टू द पावर एक्स, दो फंक्शन है हमारे पास, अब इन दोनों फंक्शन में तुम यू किसको लोगे और वी किसको लोगे, तो as I told you सीरियल वाइज चलेंगे, जो पहले आ गया उसको u। अब देखो तो ये x क्या है, algebraic है obviously, x, x to the power 1, under root x, x to the power 1 by 3, कुछ भी हो, या x to the power 0, मतलब 1 भी हो सकता है, तो 1 को भी हम algebraic function में ही लेंगे, क्योंकि वो x to the power 0 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो x algebraic हो गया, अरे e to the power x क्या हो गया, exponential, तो पहले कौन आ रहा है सीरियल वाइज, algebraic आ रहा है, मतलब x आ रहा है पहले, तो ये x हमारा क्या हो गया u, और e to the power x exponential function है, तो ये बाद में आ रहा है, मतलब ये हो गया v। अब देखो ये तुम आसानी से कर सकते हो, u को क्या करना है, मैं यहां लिख रहा हूं, u को क्या करना है, बाहर रखना है, मतलब x को बाहर रखा, इंटीग्रेट किसे किया, v को, मतलब e to the power x को इंटीग्रेट किया, माइनस साइन दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल दिया, ब्रैकेट में करते हैं ये सब पहले, du by dx मतलब u यहां क्या है x है, तो dx मतलब x को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट इसको कर लिया, अब इंटीग्रेट किसे करेंगे, v को, मतलब देखो इंटीग्रेट किसे कर रहे हैं, v को e टू द पावर x dx,
और ये पूरा आ गया ब्रैकेट में। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं x, इसका इंटीग्रेशन तो ये रहेगा e टू द पावर x माइनस, ये जरा देखो तो ये क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया 1, यहां पे तो 1 हो गया, और इसे इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x मतलब यहां पे 1 और इसका इंटीग्रेशन हुआ e टू द पावर x मतलब ये क्या हो गया e टू द पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हें पता है, चलो एक स्टेप इसमें और लिख लेते हैं, ये पूरा कर लेंगे तब एक ही बार सबको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया x e टू द पावर x dx, और इधर भी ये इसका 1 और इसका इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही रहता है, तो e टू द पावर x * 1 क्या हुआ e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन इतना आ गया। अब इसका लास्ट स्टेप हम कर लेते हैं, x ये क्या हो गया e टू द पावर x माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ e टू द पावर x प्लस c, प्लस c क्यों ले रहे हैं तुम्हें पता है, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट है ही नहीं। तो ये बहुत आसान सा एग्जांपल हमने ले लिया, इससे रिलेटेड और भी कुछ हो सकता है, गिवन है क्वेश्चन क्या ले सकते हैं हम ले लेते हैं x कोई और log का फंक्शन ले लो, चलो मान लो log x ले लिया, x log x क्या कर सकते हैं, इसे जरा देखो तो इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां भी लोअर अपर लिमिट नहीं है, फिर वही काम करेंगे, इसमें u कौन है v कौन है पहले डिसाइड कर लो, x algebraic, log x logarithmic, तो पहले कौन आ रहा है देखो तो सीरियल वाइज पहले कौन आ रहा है, log वाला आ रहा है मतलब ये, और x तो algebraic है ये बाद में आ रहा है, मतलब इसमें x हो गया हमारा v इंडिकेट कर दो, x हो गया v और log से log x हो गया u, तो log x को रखना है बाहर, दो तीन बार तुम क्वेश्चंस बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तो वो फॉर्मूला जो दिख रहा है इतना बड़ा सा वो खुद तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, वो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। u ये क्या हो गया, log x को रखा बाहर, इंटीग्रेट किसे किया x को, क्योंकि x यहां पे क्या है v है, माइनस इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएट किसे करते हैं du / dx करते हैं, तो यहां u क्या है ये, तो डिफरेंशिएट किसे करना है log x को विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और फिर अंदर में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका v का, तो ये रहा, और ये पूरा रिजल्ट जो आएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर, तो ये तुम्हें दिख रहा है क्लियरली क्या होगा ये log x, इसको अभी लेके चलते हैं x dx माइनस, ये क्या होगा देखो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक ही करके कर रहे हैं सारा काम, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा क्या, अभी देखा है कैसे करते हैं, तो ये इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये यहां पे x स्क्वायर ये x, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, सिर्फ क्या बच गया x बाई 2, मतलब x बाई 2 को अब इंटीग्रेट करना है, ये आ गया हमारा रिजल्ट, तो आप एक ही बार काम कर लेते log x इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालो, 1 बाई 2 को बाहर निकालो तो यहां बचा क्या x, तो x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल सिंपल है x बाई 2 को, चलो एक बार लिखी देता हूं, x बाई 2 को क्या लिख सकते हो 1 बाई 2 इंटू x, 1 बाई 2 आ जाएगा बाहर, x को तुमने किया इंटीग्रेट तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दैट्स इट, तो क्या होगा कैसे लिख सकते हो इसे x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, दैट्स इट। तो ये बहुत आसान सा हमने एग्जांपल ये दो एग्जांपल ले लिया इससे, सो दैट तुम्हारा ये जो फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट फॉर्म में अगर रहेगा तब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब एक और आसान सा एग्जांपल देखते हैं, इसे मैं हटा देता हूं, बहुत सारे तुम्हें इंटीग्रेशन मिलेंगे जब तुम क्लास 12th में जाओगे पढ़ोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तब तो बहुत सारा कुछ मिलेगा तुम्हें, अभी हम वो सारा कुछ डिस्कस कर ले रहे जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाला है। जैसे देख लो एक और फंक्शन देखते हैं, मान लो तुम्हें बोला गया यू हैव टू डिफरेंशिएट साइन 2x को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हें पता है कि साइन 2x का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, माइनस कॉस x होता है, तो यहां ये 2x किसके जगह x के जगह, अब समझना क्या चल क्या रहा है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो यहां ये 2x पूरा क्या है x के जगह। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है,
कि ये माइनस कॉस टू एक्स तो आ गया, बट ये भी तो दिख रहा है, तो ये जो 2x है इसका डिफरेंशिएशन तुम करोगे, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इसको तुम कर सकते हो साइड में, 2x का डिफरेंशिएशन क्या है, 2 कांस्टेंट तो बाहर, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो 2 हो गया, मतलब इसका ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है x की जगह, मतलब वेरिएबल की जगह जो दिख रहा है पूरा 2x, उसका डिफरेंशिएशन करो और उससे डिवाइड कर दो, डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया प्लस सी, वी आर डन ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हें बोला गया sec स्क्वायर 4x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तुमने देख लिया कि sec स्क्वायर x का सब तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan x, बस बच्चों यहां पे x की जगह क्या, ये पूरा 4x है, तो 4x लिखा बाय, अब as I told you कि ये जो 4x यहां दिख रहा है x की जगह, थीटा की जगह, उसको डिफरेंशिएट करो, तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। एक तरीके का ये भी तुम्हें मिल सकता है इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, ये भी देख लिया हमने। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो तुम्हें बोला गया यू हैव टू इंटीग्रेट 2x टू द पावर 3 और इसके लिए तुम्हें लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन, मान लो लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 3 कुछ ऐसा, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दे दिया, तो अब ये प्लस सी लेके चलने का जरूरत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल है ये, तो इसमें काम कैसे करते हैं समझना, पहले तो इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 बाहर लिया x क्यूब dx 1 से लेके 3 तक, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन, तो ये क्या करोगे तुम इंटीग्रेशन के बाद इसे रखोगे तुम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हें पता है पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो ये क्या हो जाए x टू द पावर 4 बाय 4 होगा क्या, ये कर लिया इंटीग्रेट, अब ये इंटीग्रेट तो कर लिया और लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 3 है, तो अब तुम क्या करोगे ये समझो, बहुत आसान है, अपर लिमिट का वैल्यू पहले रखो x की जगह, ये अपर लिमिट किसका वैल्यू है x का ही तो वैल्यू है, लोअर लिमिट किसका वैल्यू है x का ही तो वैल्यू, मतलब x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले x की जगह तुम रखो 3, तो 3 टू द पावर 4 बाय 4 माइनस साइन दे रहा है, और अब रखो लोअर लिमिट का वैल्यू x की जगह, मतलब 1 टू द पावर 4 बाय 4 दैट्स इट, तो ये क्या हो गया देखो तो 3 का पावर 4 तुम्हें पता है इट इज 81 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 क्या आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है 81 माइनस 1 क्या हो जाएगा 80 बाय 4 मतलब 20 इट इज 20, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने का तरीका हो गया, डेफिनेट कब होगा जब लोअर और अपर लिमिट दोनों गिवन रहे, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए क्या किया पहले अपर लिमिट का वैल्यू x की जगह रखा माइनस साइन देना और फिर लोअर लिमिट का वैल्यू रखो x की जगह तो माइनस करने के बाद यह है तुम्हारा 40 आ गया, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में तुम्हें एक डेफिनेट वैल्यू पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में कुछ नहीं पता चलेगा, इसीलिए हम प्लस सी लेके चलते हैं। तो दैट वॉज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, और भी जैसे जैसे हमारे फिजिक्स में इसके अलावा भी हो सकता है कि और कुछ तरीके का इंटीग्रेशन आए, तो वो हम जिस चैप्टर में आएगा वैसा पार्ट वो हम उसमें सीखते चलेंगे। अब हर तरीके का फॉर्म हमने देख लिया, एडिशन फॉर्म हो या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो दो फंक्शंस, या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो दो फंक्शंस, या अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स दे विल बी यूज इन आवर फिजिक्स, मैथ्स में तो तुम और भी बहुत तरीके का सीखोगे, तरीके तरीके का इंटीग्रेशन करोगे, बट हमारे फिजिक्स में जितना जरूरत है वो सब हम सीखते जा रहे हैं। एक और तरीके का इंटीग्रेशन हो सकता है जो हमारे चैप्टर्स में फिजिक्स की जरूरत हो, देखते हैं। ये जो हमारा रूल है बच्चों इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल। इसमें करते क्या है, एज द टर्म साउंड्स सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम किसी भी फंक्शन को कुछ लेट करके चलेंगे, कुछ मान के चलेंगे, देखते हैं क्या करने वाला है। सबसे ज्यादा जो हमारा रिपीटेड जो यूज होने वाला है, जो जिस तरीके का फंक्शन हमें मिलने वाला है फिजिक्स के चैप्टर में, वो कुछ ऐसे फॉर्म का होगा। देखो मान लो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है x by 1 plus x square, इसको इंटीग्रेट करना है with respect to x, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए अब तुम सोचोगे सर ये तो डिवीजन के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में जो था वो तुमने देख लिया, अभी हमने डिस्कस किया, बट जो हमारे डिवीजन के फॉर्म में है तो उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए हमें जो अभी हम करने वाले हैं वही करना पड़ेगा।
वो x by 1 plus x square हो या x by 1 minus x square या कुछ भी हो, तो हम substitute कैसे करते हैं ये समझो, इसे integrate करना है, तो हम let कर लेते हैं कि let 1 plus x square is equal to, कुछ भी let कर लो, मान लो हमने t let कर लिया, अब हम इसे differentiate करने वाले हैं, तो differentiate करेंगे तो क्या होगा, देखो तो इसको differentiate करेंगे तो constant 1 का differentiation तो 0 होगा, तो ये 0 हो गया, plus x square का differentiation, you know कैसे करना है, 2 पावर आगे आ गया x to the power 2 minus 1 मतलब 2x और इधर ये क्या आ गया, इस पूरे इक्वेशन को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस t को भी हम x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और ये 1 plus x square को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये इसको डिफरेंशिएट किया, t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dt by dx लिख सकते हैं ऐसे, और इधर किया तो ये तुम्हें दिख ही रहा है, तो ये क्या हो गया 2x, ये dx को इधर भेज सकते हैं क्या, 2x dx is equals to dt, तो यहां से तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि हम यहां कुछ यूज कर सकते हैं, 2x dx is equals to dt है, तो x dx का वैल्यू क्या होगा, देखो तो dt by 2 होगा क्या, तो यहां अब हम वापस आते हैं अपने काम पे, क्या करने वाले हैं, x dx का वैल्यू हमें dt के टर्म्स में लिया, dt के टर्म्स में x by dx का वैल्यू क्या है, dt by 2, और पहले से हमारे पास क्या है ये 1 plus x square, और 1 plus x square को हम क्या मान के चल रहे हैं, क्या लेट करके चल रहे हैं, t लेट करके चल रहे हैं, तो 1 plus x square की जगह क्या रख लिया t, very simple, 1 plus x square की जगह क्या रख लिया t, और ये x dx का वैल्यू यहां से क्या मिला dt by 2, तो dt by 2 और ये t, अब तुम्हें दिख रहा है कि सर यहां तो ये 2 constant है, मतलब 1 by 2 constant तो बाहर लो, 1 by 2 बाहर आ गया, तो dt by t, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 by 2, 1 by t को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, 1 by t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, सिंपल 1 by 2 log t, और एक चीज और ध्यान रखना, log में ये जो हमारा वैल्यू आ रही है t आ रही है, t हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, नेगेटिव नंबर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का हम लॉगरिथम नहीं फाइंड कर सकते हैं, लॉग का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो तुम चाहो तो यहां पे ये साइन भी दे सकते हो, मोड का भी साइन दे सकते हो, मतलब ये t जो है हमेशा लॉग के साथ, अगर ये t आ रहा है या x आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मोड का साइन दे दिया, कुछ भी नहीं है मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रल है, मतलब प्लस t देंगे, दैट्स इट, तो ये एक लास्ट तरीके का फॉर्म था जिसका इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, हो सकता है किसी किसी चैप्टर में तुम्हें इसका भी यूज आए न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशंस में इसका काम, तो नाउ वी आर डन हियर, हमारे फिजिक्स में जितना भी इंटीग्रेशन या जितना भी तरीके का डिफरेंशिएशन हमारे काम आने वाला है वो सब हमने सीख लिया बच्चों, एक एक करके सीख लिया, एंड आई होप कि जितना हमने डिफरेंशिएशन में, जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा आई इंसिस्ट तुम शुरू से लेके अंत तक डिफरेंशिएशन का जो भी चैनल पे, जो चैनल पे है तुम्हारे एके एक्सेल के चैनल पे 2-3 वीडियोस है डिफरेंशिएशन का, एक एक वीडियो देखो, एंड डोंट बी बोर्ड, ये मत सोचो कि सर अब 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो है तो देखें, ये तुम्हारे फायदे के लिए इसलिए है क्योंकि शुरू से लेके अंत तक तुम एक एक चीज समझते जाओगे देखते जाओगे, तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जिससे लोग भागते हैं, लोग सोचते हैं कैलकुलस तो बहुत टफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई थिंक कि ये जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं एक एक चीज तो इट वुड बी मोर क्लियर टू यू कि सर ये तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलस जिसे हम टफ समझ के बैठ रहे थे कि डिफरेंशिएशन है क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है क्या करेंगे, तो एक एक चीज रिलेट कर देता है, सो दैट तुम एक एक चीज रिलेट कर पाओ, एक एक चीज लिंक करके समझ पाओ कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, और लास्टली एग्जांपल्स देखा, फॉर्मूला देखा, रूल देखा, तो एक एक वीडियो देख लो ताकि तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तुम्हारा डर है कैलकुलस को लेके, बिल्कुल भाग जाए, और उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे।